कह रहे हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गया है। नहीं, मैं केजरीवाल के खिलाफ हूँ। पहली बात, झूठे वादे करते हो। नहीं, जेल जाने की लोड़ ही नहीं, उनका काम उनका बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बीजेपी ने किया गया है यहाँ पे। ये मोहल्ला क्लिनिक किसके लिए बनाया? मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, एक दिन की दवाई देते हैं और पता क्या कहते हैं, कल लाना। 5 रुपए की बस फिर थी, खाते रहो 5 रुपए के रसगुल्ले, जाओ मौज लो। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, कोई हो, कोई ढंग से काम नहीं करता। जेल से सरकार, जो जेल में गया तो सरकार चलाने का हक ही नहीं है। केजरीवाल कर देना चाहिए। राम मंदिर से क्या मतलब है, हम लोग भूखे मरे। इतनी सारी बसें, करोड़ों रुपया फिर तो रोज का घाटे में जा रही ना दिल्ली। इन बच्चों को स्कूल में सरकारी में पढ़ा रहे हैं, हैं? इनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। बहुत अच्छे हैं केजरीवाल जी, और आप ही हर बार आप ही आइए। बिजली पानी का कोई पैसा नहीं लग रहा है, 200 यूनिट फ्री है बिजली बिल। जेल में कौन सरकार चलाता है? इस्तीफा देनी चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, जेल से सरकार थोड़ी चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज़तर्रार में। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों दिल्ली में एक अभियान छिड़ गया है, यानी कि मैं भी केजरीवाल अभियान। इसके तहत जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो लोगों के घर जा रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो क्या इस सूरत में उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से ही सरकार को चलाना चाहिए। इसी सवाल को लेकर हम निकल गए हैं दिल्ली की सड़कों पर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहती है दिल्ली की जनता इस मुद्दे पर। क्या वाकई में केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए? दिल्ली की जनता की क्या है राय, आपको दिखाएंगे आज की इस खबर में। अभी जो एक कैंपेन चलाया जा रहा है केजरीवाल सरकार के द्वारा कि अगर वो जेल चले जाते तो सरकार जेल से चलाए, इस्तीफा दे, आपकी क्या राय है इस पर? भाई अपना ये क्या सलाह दें हम तो भाई ऐसे। आपको क्या लगता है, इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल में से सरकार चलानी चाहिए? नहीं नहीं, सरकार चलाए कोई बात नहीं। अच्छा काम किया है केजरीवाल ने? अच्छा किया है। क्या अच्छा किया, एक आध काम बता दीजिए। जो अब गाड़ी हमें दिलवा दी, हम गाड़ी चला रहे हैं। नहीं तो हाँ, रोजी रोटी मिल गई, नहीं तो चारपाई का काम करते थे, बैठे थे। अब अपना कमा रहे हैं, 1000-1200 रुपये बन जाते हैं। तो मतलब उनको सरकार चलानी चाहिए, आपका ये मान? हाँ जी सही है, चलानी चाहिए। अरे मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल सरकार एक कैंपेन चला रही है, कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दें या फिर जेल से सरकार चलाए, आपकी क्या राय है? मैडम क्या बताऊँ मैं, हमको तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ये है परेशानी तो है ही। नहीं, इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए आम आदमी पार्टी को? अब इसके बारे में क्या मैं आपको बताऊँ, राय बता दीजिए, क्या राय है आप? इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी है नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, जब गलत है तो दे देना चाहिए। पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है ये सब कुछ फंसाने के लिए, सरकार तोड़ने के लिए। अब देखिए भाई, जो सही है तो सही है, अगर ये गलत कर रहे हैं तो इनको देना चाहिए। हाँ, काम पसंद आया आम आदमी पार्टी का कोई आप तक? काम तो समझ में विशेष नहीं है, लेकिन है थोड़ी बहुत, और बढ़िया काम नहीं है। अच्छा भैया एक बात बताइए, अभी केजरीवाल सरकार के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर जेल चले जाते मुख्यमंत्री तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए, आपकी क्या राय? नो कमेंट। कुछ तो बताइए, नो कमेंट क्या, आपकी राय क्या है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है? हम बीजेपी वाले हैं, हमको अच्छा बीजेपी वाले हैं, पसंद है बीजेपी पार्टी, बिल्कुल उसमें कुछ बोलेंगे ही नहीं। ऐसे ही कह दीजिए कि सरकार नहीं चलानी चाहिए, इस्तीफा दे देना। तो कह रहे हैं दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाए, अगर ये बात है तो हम बीजेपी के सपोर्टर। क्या काम पसंद है बीजेपी का? बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी, जैसे हर काम अच्छा है बीजेपी का। सब एक आध काम गिनवा दीजिए। बहुत काम अच्छे हैं, अयोध्या में राम मंदिर ले लो, यूपी में दंगई ले लो, सब माफिया माफ, सब काम काम, वो काम ही तो है मैम, नौकरी रोजगार ये सब कुछ काम भी अच्छा है मैम, जो रोजगार कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। बिल्कुल, यूपी बहुत अच्छी है, यूपी आप एक बार जाके देखो। ये बताइए, अभी एक कैंपेन चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा जिसमें कहा जा रहा है अगर जेल चले जाते केजरीवाल तो क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, मैं केजरीवाल के खिलाफ हूँ, पहली बात तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अच्छा, झूठे वादे करते हैं वो। अच्छा, मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए? अब इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, बाकी झूठे वादे करते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। आपका क्या जवाब होगा इस पर? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। जेल जाते हैं तो क्या करना है, इस्तीफा देना है या जेल से सरकार चलाए? नहीं, हमारा रिक्शा तो उन्हीं के वजह से चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, बस हमारा रिक्शा चलना चाहिए बस। अच्छा, इस्तीफा ना दे यही कह रहे, जेल से चलाए सरकार? हाँ जी हाँ जी। भैया आप ही बताई दीजिए ना। मैडम हमारे कहने से इस्तीफा दे देंगे? सर्वे है ना, जनता की राय तो सही है। अब ई रिक्शा चलवा रहे तो इसके लिए हमारे लिए सही है बस। जेल से सरकार चलाए मतलब? और क्या, इस्तीफा ना दे ना। अच्छा, और कोई काम जो पसंद हो उनका? मैडम क्या, अब जो कर रहे हैं ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, अभी जो केजरीवाल के जेल जाने की संभावनाएं हो रही हैं, जेल जाएं तो वो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं जेल जाके सरकार चलाएं या इस्तीफा दे दें? नहीं, जेल जाने की लोड़ ही नहीं, उनका काम उनका बहुत बढ़िया है यहाँ पे। बढ़िया है, हमारे जनरल सिंह जी बैठे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं उनको जेल जाने की। केजरीवाल जेल जाते हैं तो इस्तीफा दे दें या जेल से सरकार चलाएं?
नहीं सरकार चलाएंगे, जेल जेल जाने की जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जेल में डालेगी शराब घोटाले के आरोपों में। बीजेपी तो कुछ झूठी है, जवाब देती नहीं है यहाँ पे। बीजेपी ने किया क्या यहाँ पे, सब कुछ खाया। लोग बोल रहे इतना काम किया, राम मंदिर बनवाया। वो तो राम मंदिर उन्होंने बनवाया, तोड़वाने वाले भी बहुत बैठे हैं वहाँ पे। या ये सदर बाजार रोड पे देखा ना, मंदिर बना था इन्होंने, अंडरपास बनवाया, मोदी ने बनवाया, ये मंदिर तोड़वाया वहाँ का सदर बाजार का। मोदी तो किनारे, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया यूपी में, बहुत अच्छा काम किया, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। ये तो मोदी तो अपने घर बैठा है, हम तो बाहर खड़े हैं, हमें मालूम है ना मोदी क्या करेगा। जो केजरीवाल ने किया ना सब कुछ किया। क्या क्या अच्छा लगता है केजरीवाल का काम? केजरीवाल का सारा काम अच्छा है, रोड बनाई है अगले ने, गलियां बनाई है, सीवर सुवर पास किया, सब काम करवाया उसने। तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए ना उन्हें? नहीं नहीं जानते, मोदी जी है ही नकली है। उनका कोई काम पसंद नहीं है? नहीं है, है? ऐसा क्या है? लाल किला खा गया हमारा, मतलब सारी चीजें बेच दी है, सब कुछ बेच दी है, लेकिन जनता तो बहुत खुश है। किसान उठे थे ना, जब सारे किसान भाई बैठे थे वहाँ पे बॉर्डर पे, क्या किया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया, वहाँ से नोटिस पास कर दिया, वो कैंसिल कर दिया बाद में, क्या किया उन्होंने? बहुत सारी शिकायतें हैं आप। हाँ, ये सब मोदी जी नकली हैं। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सर्वे किया जा रहा है कि अगर केजरीवाल को जेल जाना पड़ता है तो क्या इस्तीफा दे दें या फिर जेल से सरकार चलाएं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैडम इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी आपको क्या लगता है, अगर जेल जाते तो जेल से चलाएं या इस्तीफा दे दें? हमें कह रहे हैं हम तो इस्तीफा ही देना बढ़िया रहेगा। अच्छा, काम पसंद नहीं है आम आदमी पार्टी का? अब कह रहे हैं जी अब गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे 12 सीटर वाली, अब हम कहाँ जाएंगे गाड़ियाँ लेके? दो दो गाड़ियाँ बना ली हमने, कहाँ जाएंगे बताओ? हम तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे बच्चों की, कहाँ जाएंगे? आप भी सोचो ना, ये मतलब सरकार चाहे मोदी हो, लाना जिसको हम ला सकते हैं जिसको भी। दिल्ली के अंदर बीजेपी को लाएंगे, आम पार्टी सिर्फ लड्डू बांटती है, कुछ नहीं। क्या काम करा बताओ, क्या विकास करा? आप लोग मीडिया वाले हो, आप घूमते हो हर जगह पे घूमते हो, मुझे बताओ कहाँ पर है क्या विकास है? दिखाओ, मार्केट चले जाओ ना ज़्यादा मार्क, क्या है? बिजली पानी, वो बिजली का बिल आ रहा है, बसें फ्री चला रखी है, लोगों का काम डाउन है, ऑटो वाले सारे परेशान हैं, रिक्शे वाले सारे परेशान हैं। इसीलिए केजरीवाल अपने घर बैठो आराम से, जो लड्डू बांटे थे बांट लिए, अब अपना आराम करो। अभी वो एक कैंपेन चला रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं घर घर जा जाके कि इस्तीफा दे दें या जेल से सरकार चलाए। बताओ, केजरीवाल जी आया था कि मैं मेरे केजरीवाल आया था यूपी के अंदर, देखो राजस्थान के अंदर देखो, हर जगह युवा बच्चों को लिए नौकरी मिल रही है। आज इसको 10 साल हो गए, कभी बच्चों का नाम लिया? सिर्फ तीन चीज़ें लेता, मैंने स्कूल बना के, स्कूल बच्चे पढ़ नहीं रहे थे पहले, पहले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे स्कूल, क्या जो हमारे बच्चे अभी यहाँ केजरीवाल 5 साल से आए जब बच्चे पढ़े हैं, BMA कर रखी है, बच्चे जो हैं असली उनको आप नौकरी दिलाओ ना, क्यों नहीं नौकरी की बात करते हो? युवा बच्चे किसके हो, चाहे आप क्यों हो, चाहे हमारे हो, बेटी तो सबकी है, बेटे वो घर में बैठे हैं जो BMA करके। केजरीवाल बस रहा बिजली और पानी और बिजली और पानी और बस फ्री, ये क्या तुक है, किस चीज़ की तुक है बताओ? अच्छा, अभी आप कह रहे थे बीजेपी लाएंगे तो बीजेपी ने कितनी नौकरियां दे दी वो यूपी के अंदर, नौकरियां दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, राजस्थान सारी दे रहा है, पुलिस की नौकरी दे रहा है, टीचर की दे रहा है, सब देती हूँ मैं, देती हूँ। आएगी भी बीजेपी, लाएंगे भी बीजेपी, और करेंगे भी वोट मोदी को, बीजेपी को, ठीक है? हम राम के हैं और राम के ही रहेंगे। केजरीवाल मैं सामने बोल रही हूँ, मेरे सामने आ जाए, उसको हम दिखाते हैं क्या होता है, क्या किया उसने इसी तिलक नगर में, क्या किया है, क्या किया उसने हमारे लिए, क्या एक के 200 रुपए 200 यूनिट फ्री दिए हुए हैं, क्या है वो 200 यूनिट, क्या है? कुछ नहीं है वो, और जिनके बिल आते हैं 6-6 हज़ार देता है वो, क्या क्या सुविधा दी है? एक मिनट, कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटलों में, कहते हैं ये मोहल्ला क्लिनिक किसके लिए बनाया, मोहल्ला क्लिनिक में जाओ एक दिन की दवाई देते हैं, और पता क्या कहते हैं, कल आना BP की गोली, अगर और जगह जाओगे साथ कल मिलेगी, कल परसों मिलेगी, डॉक्टर नहीं है, बोलने की तमीज नहीं। और ये जो ये बैठा है तुम्हारा जरनैल सिंह, ये अपने पगड़ी वालों को पूछते हैं, दूसरों को नहीं पूछते। अच्छा, ये जो बसों में फ्री सफर दिया है उसका कोई फायदा उठाती हैं? ऐसा फायदा, एक मिनट, बसे हाथ देते रहो, अभी आप चलो मेरे सामने, मैं हाथ देती हूँ, चलिए आप मेरे सामने हाथ देते हैं, अगर वो रोक दे, बस रोक दे, अगर कोई जेंट्स खड़ा है तब वो बस रुकेगी DTC, औरतें अगर 10 खड़ी है ना, हाथ यूं देते हैं तब भी नहीं रुकती। ये है ये पक्का बीजेपी की सरकार है, अब के मोदी और योगी आएंगे, उधर राजस्थान में आ गया बाबा बालकनाथ, आ गया यहाँ भी बालकनाथ आएगा पक्का,
जाओ अपने घर, केजरीवाल बैठो अपने घर आराम से, जाओ ऐश करो, कोई नहीं आजा पूछने वाला। सारे रिक्शे वाले, सारे ऑटो वाले, तो कोई वोट नहीं देगा इसको। दो सीटें नहीं आनी, दो भी नहीं आएगी इसको। आप बताइए आपकी क्या राय है? हमारे प्रधान ने बात कर दी जो वो ही। आप बताइए ना आपकी क्या राय है? हमारा केजरीवाल नहीं आएगा, नहीं आएंगे। बोल आप बताइए क्या राय है? मैं एक बात कहूँगा, बच्चे इतने क्वालिफाइड घर में बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे सारे हाईली क्वालिफाइड बैठे हुए हैं। मेरे दोनों बेटे क्वालिफाइड हैं, दोनों जॉब भरते हैं फॉर्म, उनका नंबर ही नहीं आता कहीं भी। अभी मेरे बेटे डीपी का फॉर्म टेस्ट दे के आया था इलाहाबाद, वहाँ पे नंबर उसका आया नहीं, एडब्ल्यू एस कोटे से ही आया था उसने टेस्ट। बच्चे इतने हाईली प्रोफाइल हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, इससे ज़्यादा रात दिन मेहनत करते हैं, उनको जॉब नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है गवर्नमेंट का? नहीं, एक बात बताओ, क्या हम रिक्शा चला रहे हैं बैटरी का? हमारे बच्चे बीए करके क्या रिक्शा चलाएंगे बैटरी का? ये रोजगार देगा केजरीवाल हमें? बैटरी का रिक्शा चलाएगा? चलो हमने तो अपना बच्चों का सफर पार किया, कैसे भी किया हमने अपने बच्चों का नाज पानी किया, क्या ये क्या हमारे बच्चों को रिक्शा चलाना सिखाएगा क्या? क्या नौकरी इसके मुंह में लड्डू भरा हुआ है जो आज तक नौकरी का नाम लिया? कभी 10 साल हो गए इसके नौकरी का कभी नाम लिया? हर देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर वैकेंसियां निकल रही हैं, ये क्यों नहीं निकाल रहा वैकेंसी? मोदी जी भी तो कहते हैं कि अपना काम करना चाहिए, पकौड़े तलिए वो भी रोजगार है, तो आप कैसे देखते हैं उस चीज़? मेरा भाई रोजगार मोदी दे तो रहा है, ये क्या पकौड़े तलने वाला? बिल्कुल पकौड़े तल रहे हैं ये, पड़ी तो रहे हैं पकौड़े, और क्या तल रहे हैं? पकौड़े तलने में कोई बुराई है क्या? करोड़पति है पकौड़े तलने वाले भी, बुराई नहीं है, लेकिन ये तो नौकरी से निकाले। दिल्ली के अंदर कितनी वैकेंसी है क्या उसको पता नहीं है क्या? सब पता उसको वैकेंसी। आज टीचरों की वैकेंसी दिल्ली के अंदर भरपार है, वाइस प्रिंसिपल टीचर क्या सब का पुल्ली छूट है उसको, जितनी हजारों टीचर है की नौकरी की जरूरत है स्कूलों के अंदर, पर लेकिन नहीं बोलता नहीं। सिर्फ तीन चीजें ले रखी हैं, स्कूल फ्री कर दिया, बिजली कर दी, बस कर दी, 5 रुपए की बस फिर दी, खाते रहो 5 रुपए के रसगुल्ले, जाओ मौज लो, ये हाल है केजरीवाल। आप बताइए क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए? देखो जो भी सरकार आए ढंग से काम करे, ये नहीं कि हम हमारी कोई किसी से वो नहीं है, जो सरकार बनती है वो पब्लिक से बनती है, ना कि इनके घर से बनती है। पब्लिक वोट देगी तो सरकार बनेगी, अगर पब्लिक वोट देना बंद कर देगी सरकार कहाँ से बनेगी? तो ये बताइए ना, इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाएं? सरकार चलाएं लेकिन ढंग से चलाएं ना, ये नहीं कहते कि इस्तीफा दो, ढंग से चलाओ, चलाएं, काम करें। क्या क्या कमियाँ रह गई? जो गरीब आदमी आज कह रहे हैं रिक्शे की, हम 10-10 रुपये कमाते हैं दिन में, शाम को हम 500 लेके जाते हैं, किराए की गाड़ियाँ होती हैं हमारी, कभी काम होता है कहीं नहीं होता। तो वो जो सर जी ने अभी बोला है कि आज हम ये काम कर रहे हैं तो कल हमारे बच्चे कोई रिक्शा थोड़ी चलाएंगे, हमें उनका भी तो भविष्य देखना है कि नहीं। कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई ढंग से काम नहीं करती, चाहे केजरीवाल हो कोई हो। मैं तो कहता हूँ इनको वोट देना ना, पूरी इंडिया बंद कर दे तो सरकार बंद हो जाएगी, चला दो सरकार। कैसे चलेगी सरकार? पब्लिक के पैसे से सब कुछ होता है, रेलगाड़ियाँ चलती हैं, जहाज चलते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं, हर चीज़। अगर पब्लिक का पैसा नहीं जाएगा तो क्या करेगी सरकार, कहाँ से चलेगी? आप इसके अंदर जाके देखो कितना कूड़ा है, कितना गंद है, क्या हाल है? कूड़ा कब से, अभी अभी आया है कूड़ा, ये क्या आप देखो ना, इसकी सरकार 10 साल हो गए, एमसीडी में तो अभी आई है ना, इससे पहले कूड़ा नहीं था। एमसीडी को कितने साल हो गए आप बताइए ना, कूड़ा कब से था, कूड़ा कितने समय पहले से? देखो ना साफ सफाई देख लो, आप खुद ही देख लो। ये पूछ रही हूँ कूड़ा कितने समय पहले से, अभी अभी आया या फिर पहले से था? साल होने को आ रहा है एमसीडी को, साल में क्या विकास नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इससे पहले कूड़ा नहीं होता था, कोई कूड़ा नहीं होता था, कोई कूड़ा नहीं, अभी अभी बिल्कुल सारा साफ सुथरा था, बिल्कुल सारा साफ सुथरा था, बस सारा साफ। आप बताइए केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? जेल को सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा ना दे, ना दो। कौन सा काम पसंद आया केजरीवाल? हमें गरीबों के लिए तो केजरीवाल ही सही है, सही है। क्या सही किया है? हमें जो पसंद आ रहा है हम कर रहे हैं। सर आप बताइए मुझे कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए, आपकी क्या राय है? जेल से सरकार, जो जेल में गया तो सरकार चलाने का हक ही नहीं है। नहीं ऐसा कह रहे हैं ना कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही है, फंसा रही है और जेल में डाल देगी, क्योंकि 2-3 मंत्रियों को तो पहले भी डाल दिया। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, केंद्र सरकार जो कर रही है, ईडी सीबीआई जो काम कर रही है गवर्नमेंट की, वो काम करेंगी, इसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। कोई भी गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा। सबूत कहाँ मिल रहा है? सबूत तो मिल ही नहीं रहा कोई अभी तक। सत्येंद्र जैन को जेल में गए हुए साल हो गया, मनीष सिसोदिया को हो गया, कोई सबूत ही नहीं दिया। ये तो गवर्नमेंट बताएगी ना, हमारे को क्या पता, हम तो गरीब आदमी है, रिक्शा चला रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा देखो, जो गलत काम करे वो इसका इस्तीफा होना चाहिए, कोई भी हो।
हम हो आप हो कोई भी हो जो कोई हम रोड के ऊपर झगड़ा करेंगे तो पुलिस तो हमें पकड़ के ले जाएगी। अगर झगड़ा नहीं करेगी तो हमें क्यों पकड़ेगी पुलिस, बताओ क्यों पकड़ेगी पुलिस? कोई कानून तोड़ा तभी तो पकड़ के जाएगी ना, बस तो कानून तोड़ा तो कुछ भी हो सकता है, बाकी आगे उसकी मर्जी सरकारों की, हमारा तो इसमें कोई रूह तो है नहीं। जो झगड़ा करेगा आतंकवादी करेगा। अच्छा ये बताइए कि इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए केजरीवाल? जेल जाना चाहिए। किस पार्टी को आना चाहिए? ये मोदी जी को। क्या अच्छा काम किया मोदी जी ने? बहुत कुछ करते हैं। जैसे एक आध काम गिनवा दीजिए। हमारे देश की रक्षा करते हैं। पहले नहीं होती थी मोदी जी से? पहले रक्षा नहीं होती थी देश की? बिल्कुल होती थी, केजरीवाल से तो नहीं होती अब। केजरीवाल केंद्र में थोड़ी है, वो तो दिल्ली सरकार में है ना। हाँ मोदी जी को करना चाहिए। अच्छा, काम तो बता दो। ठीक है मोदी जी बहुत अच्छे, एक आध काम बता दो, एक आध काम गिनवा दो, क्या अच्छा काम करते मोदी जी? मतलब कि अब मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। भी एक आध तो याद होगा कोई तो अच्छा काम? याद तो है नहीं बट बहुत अच्छा काम अच्छा काम करते हैं, बस पता नहीं है वो काम कौन सा। हमारे लिए बहुत अच्छा, इंडिया के लिए बहुत बेस्ट है। हाँ काम याद नहीं है लेकिन आप? नहीं नहीं बट बेस्ट बहुत है हमारे लिए। अच्छा आप बताइए केजरीवाल को जेल जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए? जो मर्जी करो हमारा वोट देना चाहिए। हाँ केजरीवाल को देना चाहिए। अभी कह रहे हैं कि बीजेपी फंसा के जेल में डाल रही है, तो इस्तीफा दे दे जेल से सरकार चलाए? बीजेपी के बिल्कुल नहीं देना चाहिए, नहीं केजरीवाल को देना चाहिए। क्या काम पसंद है केजरीवाल को? हाँ केजरीवाल का कौन सा काम पसंद है? सब काम पसंद है उसको। गरीबों के लिए काम करते हैं? हाँ सारे जगह काम करते हैं। कैसे? एक आध काम बता दीजिए। कच्चे कॉलोनी में सारे जगह काम करवा रखे हैं हम लोग, रिक्शा दिला के रोजी रोटी चला रहे हैं। रोजगार दिया? हाँ मोदी सरकार महंगाई बढ़ा रहा है। हाँ लेकिन राम मंदिर तो बनवा रही है ना, राम से क्या हो गया? राम मंदिर से क्या मतलब है, हम लोग भूखे मरे राम मंदिर लेके क्या करेंगे? महंगाई बहुत हो गई है, हमको तो रोटी चाहिए, हमारे बच्चे को रोटी चाहिए, हमारे बच्चे को रोजगार चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगार आटा गाड़ा ढो रहे, क्या फायदा? मुझे बंदी चाहिए। क्या क्या फायदा आप बोलिए? आप क्या बताओ? अच्छा और बीजेपी में क्या क्या कमियां लगती हैं आप? बहुत ही कमी है मैडम जी, जहाँ जहाँ सिलेंडर 500 का था अब सीधे 410 का। हाँ अब सीधे 1100 का सिलेंडर हो गया। प्याज 20 रुपये 25 रुपये के जी था, अब 50 रुपये के जी है। अब बताइए क्या करें? अच्छा एक बात बताइए, अभी एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें पूछा जा रहा है कि केजरीवाल अगर जेल जाते तो जेल से सरकार चलाएं या इस्तीफा दे दें, आपकी क्या राय है इस पर? जेल से तो सरकार नहीं चलाना चाहिए। नहीं चलाना चाहिए। हाँ क्योंकि जेल से आप बैठे बैठे कैसे अपना कार्यकाल करेंगे, नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, उनका ये कहना है कि बीजेपी उन्हें फंसा कर जेल में डाल रही है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, यानी कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, सरकार आम आदमी पार्टी की ही चलती रहे? देखो अगर उनको कोई फंसा जाता है ना, तो फंसाने के लिए उनके प्रूफ चाहिए, अगर उनके पास प्रूफ है उस प्रूफ को इंक्वायरी करने के लिए फिर कमीशन बैठेगी, CBI बैठेगी, इंक्वायरी करेगा, जो उनके पास प्रूफ सही है तो ये फंसेंगे, और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो उनको कैसे अंदर कर सकते हैं, बिना प्रूफ का तो अंदर नहीं कर सकते ना। मनीष सिसोदिया चले गए, सत्येंद्र जैन चले गए सालों से अंदर, अब तक कोई साबित नहीं कर पाया कि क्या आरोप है, कितने का लिया है रिश्वत सब कुछ। मैडम अंदर गए तो पर किसी अंदर किसी रखा, कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ना, तभी तो अंदर नहीं, सबूत पेश ही नहीं कर रहे ना, अदालत ने भी फटकार तो लगाई थी, आपने सुना ही होगा मनीष सिसोदिया के मामले में अदालत ने फटकार लगाई कि कोई सबूत तो पेश करिए कम से कम। तो मैडम बिना सबूत को अंदर कर दिया तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सबूत को मांगना चाहिए ना, जो पार्टी का नेता ही है, सीनियर लोग हैं या तो जितना भी सारे जो ऑफिसर्स हैं वो कमीशन लेके बैठे हैं, उन सबका काम है ये सब करने के लिए, तो वो लोग खाली बैठे हैं, हम आम आदमी क्या कर सकते हैं, हम अपना कार्यकाल में बिजी रहते हैं। देखिए अभी एक कैंपेन चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल जेल चले जाते हैं तो क्या जेल से सरकार चलाए या इस्तीफा दे, आपकी क्या राय है? जेल में कौन सरकार चलाता है, इस्तीफा देनी चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, आपकी क्या राय है? इस्तीफा दें सीधे। इस्तीफा देना चाहिए। कोई काम पसंद नहीं है केजरीवाल का? काम तो पसंद है लेकिन जो जेल में जाए तो जेल में अंदर तो इससे अच्छा इस्तीफा। ऐसा कह रहे ना कि बीजेपी फंसा रही है, फंसा के जेल में डाल रही है, उनके मंत्रियों को डाल चुकी है दो। नहीं ऐसे थोड़ी ना कि कोई नाजायज फंसाएगा, कोई कार्रवाई करेगा कुछ भी कारण तभी तो कोई अगला बंदा फंसाएगा।
ऐसे थोड़ी ना कि कोई नाजायज किसी को जेल कराता रहेगा। हाँ जी, इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल दे देना चाहिए इस्तीफा। सर आप बताइए, इस्तीफा देना चाहिए, जेल से सरकार थोड़ी चलेगी। वो कह रहे हैं कि फंसा कर जेल में डाल दे, तो जनता क्या चाहती है दिल्ली की? मैडम कानून होता है, ऐसे थोड़ी कोई फंसा देगा, गलती होगी तभी फंसे हैं। तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा अभी जो मुद्दा चल रहा है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर वो जेल जाते, या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए, आपकी क्या राय है? इस्तीफा देना चाहिए। नहीं चलानी चाहिए? नहीं नहीं चलानी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे तो एक ही राय है, सिर्फ मोदी आए बस। अच्छा मोदी है, क्या काम पसंद है मोदी जी की? बहुत काम पसंद है। जैसे एक आध गिनवा दीजिए। क्या गिनो आपको, बहुत काम उनके पसंद है। इतने सारे बता रहे हैं आप, एक आध तो गिनवा दीजिए। उनको ही पसंद है बस। अभी तो ठीक है, खत्म होता है बस। हाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, योगी आ जाए मोदी आ जाए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उन्हीं के नेताओं के पास से करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद होते हैं? हमने तो कभी नहीं सुना। नहीं सुना, नहीं सुना, हमने देखा। अच्छा एक आध अच्छा काम तो गिनवा दीजिए। क्या काम, उनसे बहुत काम अच्छे अच्छे किए हैं वो। एक आध बताइए तो सही, लोगों को पता तो चले। जो बाबरी मस्जिद अयोध्या का है वो फाइनल राम मंदिर बनवा, मंदिर 317 धारा खत्म करवा दिए, उससे आपको क्या फायदा हुआ? हमें नहीं, लेकिन फायदा है बहुत। जेल जाकर इस्तीफा देना चाहिए या फिर सरकार चलानी चाहिए? सरकार चलानी चाहिए। चलानी चाहिए। आप बताइए मैम, केजरीवाल अगर जेल जाते सूरत में, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी एक कैंपेन कर रहे हैं लोगों से। अच्छा। पूछ रहे जाके, आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से जितना उन्होंने आज तक किया बहुत अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा किया, और लेडी के लिए तो काफी सुविधाएं उन्होंने करी है, तो जेल तो नहीं होनी चाहिए उनके लिए। और अगर हो भी जाती तो क्या जेल से सरकार चलाते रहे अपनी जैसे चल रही है? बिल्कुल, क्योंकि ये सत्ता एक बार जो अच्छी बन जाती है ना, दोबारा फिर बिगड़ जाए पर तो दोबारा नहीं बनती, तो मेरे हिसाब से तो उनको तो आगे बढ़ना। क्या काम पसंद आया आपको केजरीवाल का? केजरीवाल के बहुत से काम हैं लेडीजों के लिए, खास कर हाँ जी बिजली पानी हो गया, और भी सुविधाएं हैं। लेकिन कभी बिल आया है 200 यूनिट तक फ्री रहता है, बिल आता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल से जीरो बिल आ रहा है। मेरे को तो हो गए कम से कम 4 साल तो हो गए मैम। हाँ जी हाँ जी, पानी का बिल भी फ्री है? हाँ पानी का भी फ्री है। बसों में भी फ्री सफर करती हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बसों में मैं जाती आती हूँ, मैं फ्री करती हूँ, और यही तो खास बात है ना। देखो पब्लिक के जो गरीब से गरीब आदमी के लिए खासकर यही चीज महंगी पड़ती है, किराया हो गया और बिजली पानी हो गया, ये सबसे ज्यादा महंगी है गरीब आदमी के लिए। अगर उसमें उसको सुविधा मिल जाती है तो उसके हिसाब से उसका घर का भी बैलेंस बना रहता है, बाहर का भी बना रहता है। अच्छा ये जो मोहल्ला क्लिनिक खोले, कभी गई हैं आप, कैसे हैं ये? बिल्कुल बिल्कुल मैं गई हूँ। एक्चुअली क्या था कि मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम हो गई थी कैंसर की, तो मैं किसी अस्पताल में गई थी तो वहाँ पे इलाज नहीं कर रहे थे, तो मैंने केजरीवाल जी के नाम से एक पर्ची ली थी, उनके मोहर लगवा के जब मैं गई तो तुरंत सारा काम हुआ। मतलब इतनी सुनवाई नहीं होती, अगर केजरीवाल जी के काम से इतना हमें फल मिल रहा है तो क्यों ना उनकी राजनीति चलनी चाहिए आगे भी। हाँ जी हाँ जी, और मेरे हिसाब से केजरीवाल जी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे वक्त में बहुत लोग आते हैं जो अपनी सत्ता को बनाने के लिए बदनामी करते हैं। वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी फंसा रही है, एक एक करके मंत्रियों को डाल रही है, पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, फिर मनीष सिसोदिया को डाल दिया, अब केजरीवाल का नंबर है। बिल्कुल, पर केजरीवाल जी को निकल के उनके बीच में से अपनी सत्ता हासिल करनी है असलियत में। उन्होंने अगर अब केजरीवाल के साथ हैं? बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने काफ़ी सुविधाएं हमें दी हैं, तो देखो हम उनके साथ ही हैं। हाँ जी हमारे सर केजरीवाल जी, आप हिम्मत मत हारना, आगे ऐसे ही बढ़ते रहना, और पब्लिक से उतने ही ईमानदारी से प्रेम करना जितना आपने शुरुआत की थी वक्त पर, और वही शुरुआत अंत तक करना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर केजरीवाल जेल चले जाते तो इस्तीफा दे दें या जेल से सरकार चलाए, आपकी क्या राय, क्या लगता है आपको? सरकार वहाँ से भी चला सकते हैं ना, चलानी चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल चलानी चाहिए, चलानी चाहिए। कोई ऐसा काम जो पसंद हो आपको केजरीवाल का? सब कुछ ही अच्छा लगता है मेरे, पानी बिजली पानी का थारा उसने ठीक कर रखा है, हाँ पानी भी हर एक चीज की रामदारी। कह रहे हैं कि बीजेपी एक एक करके फंसा रही है उनके नेताओं को, 304 को डाल भी दिया जेल में, केजरीवाल का नंबर है अगला। सुनते तो ऐसे, सुनने में तो ऐसे ही आता, पर हम कुछ जानते हैं। लगता है इस्तीफा नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए उनके वहाँ पे, ये बता रहा तो मैं वही बोला हूँ, दिल्ली एक दिन कंगाल हो जाएगी। अच्छा। इतना घाटे में जा रही दिल्ली। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए जेल जाने के बाद? दे देना चाहिए उनको, तो देना चाहिए, उसके बटकी नहीं है, ये सब सरकार चला रहा है। आना चाहिए किसको, संभालना चाहिए? कोई भी आए, इससे अच्छा बीजेपी आ जाए वो भी बढ़िया सरकार है। बीजेपी का एक आध काम गिनवा दीजिए अच्छा वाला। मेरे लिए तो अच्छा है, हमारा उत्तर प्रदेश बाबा महाराज जी हैं, हमारे लिए तो अच्छा ही है, वो बहुत बढ़िया सरकार चल, हमारे लिए हर अच्छा काम होता है, किसान हैं हम, किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रखा है। एक आध काम क्या बता दूं, एक आध काम किसानों के हिसाब से आपके राशन देते ही हैं, अगर कोई दिक्कत है। किसान क्यों धरने पर बैठ जाते हैं बार बार अपनी मांगों को मनवाने के लिए? अब उतनी करना पड़ता है, महीनों बैठ जाते हैं बॉर्डर पर, कितने शहीद हो जाते हैं किसान, वो तो होता है। कैसा काम करा है किसानों के लिए?
हमारे यहाँ तो सही है ना, अब हम यहाँ का नहीं कह सकते, हम तो यूपी में बाबा जी, हमारी सुविधा तो बढ़िया है, बाकी हाँ हमारे साथ सुविधा तो गिनवा दीजिए। सुविधा यही है कि किसानों के लिए खेतों में जैसे अब जैसे जानवर का था, बहुत सारे छुट्टा घूमते, लोग बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका भी अब उनको बेचने के लिए थोड़ी ना वो थोड़ी कहते हैं कि इनको खुला छोड़ो, जानवर जो होते हैं उनको वो थोड़ी ना कहते हैं खुला छोड़ो, तुम ही लोग तो छोड़ते हो, तुम्हारा ही नुकसान होगा, मत छोड़ो उनको, पकड़ के रखो उनके हिसाब से वहाँ की सरकार। वैसे यहाँ भी एक बारी आ जाए, यहाँ तो मेरे को कोई काम ही नहीं समझ आ रहा, सब बेकार है, कहते DTC बस वाले हैं। एक दिन मेरा दोस्त रहता, वो बता रहा था कि 4000 कुछ रुपए का एक बस का खर्चा आता है और डिपो में शाम को जमा होता है 700-800 या 1000 रुपया जमा होता है। मैं कहा इतना इतनी सारी बसें हैं, करोड़ों रुपया फिर तो रोज का घाटे में जा रही ना दिल्ली, डूब नहीं जाएगी, वो कहाँ से चला रहा है खर्चा। ये बताइए, केजरीवाल अगर जेल जाते तो क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए? भैया हमें तो पता नहीं, गरीब बंदे को यूँ कहते हैं मोदी भी और वो भी कि ये दे रहे हैं, उनके खाते में डाल रहे हैं, भैया पैदल आ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। मतलब आपको क्या लगता है फिर भी कौन सी सरकार रहनी चाहिए? भाई मुझे तो नहीं पता, ना घर मिल रहा है, किराए पे रह रहे हैं, किराए वाले 8-8 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, जो 6 हज़ार में रहते थे वो 8 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, गरीब बंदा जो काम करके आएगा वो कहाँ से देगा? तो मतलब आप सभी पार्टियों से परेशान हैं? मैं तो सबसे परेशान हूँ, और मैं तो बताऊँ बच्चों को, इन बच्चों को स्कूल में सरकारी में पढ़ा रहे हैं, हैं? इनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा इनके खाते। स्कूल तो कहते बहुत अच्छे बन गए, ऐसे भी नहीं आए हैं। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं बने हुए अभी? नहीं, स्कूल अच्छे बने हुए हैं पर पढ़ाई नहीं होती। ठीक है सब कुछ, तो बच्चों का जो आना चाहिए ना वो तो नहीं मिल रहा कुछ। पैसे नहीं मिल रहे आपको? नहीं, क्यों? बच्चों के देखो अभी कॉपी है, किताब है, सब कुछ लेना पड़ता है, बच्चों की ड्रेस भी है, ड्रेस के पैसे डाल रहे हैं अभी तक तो आए नहीं है, है नहीं? फिर हम लोग जो किराए पे रह रहे हैं कहाँ जाएं? हम मेरा 4-5 महीने से मकान ऐसे टूटा पड़ा है, खाली करने के लिए जा रहे हैं 8 हज़ार रुपये मकान मालिक मारे। चंदन विहार रह रही हूँ जो कॉलोनी ऐसी है कि सरकार किसी काम की नहीं है, किसी धेले की नहीं है, कुछ नहीं दे रही है गरीब बंदे को ना, बेकार। गरीब से ही चलता है, अमीर से नहीं चलता, अमीर के पास सब कुछ है, क्या नहीं है? हर चीज़ है। गरीब तो लॉकडाउन ने भी मार दिया और वैसे भी मार दिया। नहीं, उनको चलाना चाहिए सरकार। क्या अच्छा काम लगा है आपको? बहुत अच्छा काम लगा है, वो तो बहुत ही अच्छे, जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। एक आध काम गिनवाइए ना। क्या काम तो हम गिनवा ही नहीं सकते, उनकी बहुत ज्यादा काम है, अनगिनत काम है। अच्छा, उनकी क्या के जी बहुत अच्छा काम। क्या कहना चाहेंगे उन्हें, हौसला देना चाहेंगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारे जितने ग्रुप के हम तो सब लोग उनके साथ हैं, सच्ची दिल से। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं तिलक नगर में बैठी हुई हूँ, मैं तिलक नगर से बोल रही हूँ, बहुत अच्छे हैं केजरीवाल जी, और आप ही हर बार आप ही आइए जी। कह रहे हैं कि बीजेपी फंसा रही है उनको, जेल में डाल देगी, 3-4 मंत्रियों को पहले भी डाल चुके हैं। अब उनके बारे में तो इतना हमें नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं है, बट जो भी हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा। अब वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं हमें तो पता नहीं। भैया आप बताइए आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखो बिजली पानी तो मेरे लिए तो फ्री मिल रहा है अभी तो, बिजली पानी का कोई पैसा नहीं लग रहा है, 200 यूनिट फ्री है बिजली बिल। कहते हैं कि नाम के लिए फ्री है, बिल तो आ ही रहा है सब। नहीं मेरे पास सब झूठ बात, नहीं नहीं बिल्कुल सच, बिल्कुल आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, साल भर से आया नहीं बिजली बिल। कहती है बिजली का बिल इतना बड़ा बड़ा आ रहा है, पानी का बिल इतना हजारों रुपए आ रहा है, 8-10 बल्ब जलाते हैं, पंखा चलते हैं, फ्रीज चलते हैं, टीवी चलते हैं, फिर भी बिजली बिल नहीं आ रहे हमारे। अच्छा, एक साल से बिल नहीं? डेढ़ साल में 40 रुपए बढ़े हैं हमने, 40 रुपए बिजली भरे हैं हमने। अच्छा, 40 रुपए सिर्फ 40 रुपए, 180 यूनिट होते, 170 यूनिट होते, उसमें 200 यूनिट पूर नहीं पाते हैं, इसलिए बिजली बिल भर नहीं पाते, जीरो। बसें फ्री की हैं, इसमें फायदा लगता है आपको? फायदा तो है, नहीं बस के तो फ्री है, जेंट्स के तो फ्री है, लेडीज के फ्री है, तो घर की महिलाओं को तो बोला मैं। अच्छा आप बताइए कि और क्या क्या काम आपको पसंद आते हैं? बसों वाला जो ये तो भैया ने, हाँ जी बसों वाला भी है, कितनी चलो हम नहीं है, हमारी दीदी लोग है, हमारी बहन लोग है, कम से कम उनको तो फ्री में, यानी कुछ तो बचत हो ही रहा है, और बिजली हुआ पानी हुआ वो भी बच रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो बस हम तो वही चाहते हैं। हमारे केजरीवाल किसको देखना चाहते हैं? केजरीवाल लव यू, आई लव यू, दिल से लव यू। देखिए दिल्ली के तमाम लोगों से हमने जुड़ने का प्रयास किया, तमाम लोगों की क्या राय थी वो लेने की कोशिश की है, सबके अलग अलग तर्क थे, सबकी अलग अलग राय थी। अब आपकी क्या राय है आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या वाकई में अगर केजरीवाल चले जाते हैं जेल, जो कि शराब घोटाले के फिलहाल आरोप लग रहे हैं, जिसकी अड़चने देखने को मिल रही हैं, अगर वो जेल चले जाते हैं तो आपकी क्या राय है, क्या लगता है आपको कि उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनी
अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।